काम करने दीजिए, हंगामा मत कीजिए। देखिए, उनका कहना यह है कि सब कुछ आप करा रहे हैं और आप ही के पार्षद जो हैं वो भाग रहे हैं। जी जैन, देखिए चोरी भी कर रहे हैं, छीना चोरी भी कर रहे हैं। हाँ इन्हीं के पार्षद हाथापाई करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, हाँ इन्हीं की मेयर साहिबा बेईमानी करवाती हैं, बार बार सदन को आपने देखा किस तरीके से भंग करती हैं, और आज उनको मानना पड़ा क्योंकि तो सही बात हम लोग कह रहे थे आपने फोन और पेन जो अलाउ किए बिल्कुल गलत है। फोन और पेन दोनों, ना मेयर और ना डिप्टी मेयर, दोनों के इलेक्शन में नहीं थे, तो अब क्यों? और फोन और पेन ना होने के लिए खुद इन्हीं के एमएलए ने बोला था इनको अलाउ ना करें, तो फिर आपने स्टैंडिंग कमेटी में क्यों अलाउ किया? क्योंकि तो बेईमानी करवानी थी, विश्वास नहीं था। और अब हाउस में देख रहे हो वर्तमान में क्या हो रहा है, एक वोट को ये कैंसिल करने के जुगाड़ में है, फिर से बेईमानी, क्योंकि इनके पास चार मेंबर जिताने का मैंडेट है ही नहीं। ये साम दाम दंड भेद हर तरीके की चीज यूज करके ये चौथे मेंबर को जिताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से इनका सामना कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे तीन स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। अगर आपके पास मैंडेट है तो आप बताएं, मैंडेट है ही नहीं। मैंडेट आपके पास मेयर और डिप्टी मेयर का था, हमने कोई परेशानी नहीं की, हमने कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं किया, आपने बनाया, आप ही ने ड्रामा किया था, तीन बार आपने हाउस पहले अडजर्न कराया था, पहले बोला कि भाई एल्डरमैन की नियुक्ति गलत हुई है, फिर बोला पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति गलत हुई है, और दोनों ही चीज आपने कोर्ट में नहीं रखी, दोनों चीज के लिए आप कोर्ट में नहीं गए और ना ही कोर्ट ने इस पे कोई रिवर्स टिप्पणी की। आज भी वही एल्डरमैन है और उन्हीं पीठासीन अधिकारी ने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव कराया, लेकिन आपकी नीयत खराब थी, आपको विश्वास नहीं था, आपने साजिश के तहत आपने हाउस को नहीं चलने दिया ताकि टाइम मिल जाए तो आप सौदेबाजी कर सकें, जो आपके मेंबर नाराज हैं उनको आप सेटल कर सकें, उनके साथ डील कर सकें। इसीलिए आप लोगों ने दिल्ली को 2 महीने तक निर्णय मिलने दिया। आपने जितने भी मुद्दे उठाए वो सबके सब गलत सिद्ध हुए। कल भी जो पूरा दिन और रात जो हंगामा हुआ वो क्यों हुआ कल परसों? क्योंकि आप अड़ गए? नहीं, जो आपने गलत तरीके से वोटिंग कराई है हम उसी पे अड़े रहेंगे, उसके बाद वोटिंग कंटिन्यू होगी, आज मानना पड़ा। अगर आप परसों ही मान जाते तो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव परसों हो जाता। आप तो लटकाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं, और जो हमें सूचना मिली है उसके अनुसार आम आदमी पार्टी को केजरीवाल जी ने साफ निर्देश दिए हैं आपको हंगामा करना है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को नहीं बनने देना, मेंबर्स को नहीं चुनने देना, क्योंकि इनको पता है कि स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, आने वाली है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा? दीवानी करेंगे, नहीं मानेंगे, हम हाउस में लड़ेंगे, हम जमीन पे लड़ेंगे, हमने प्रदर्शन भी किया है, हम फिर प्रदर्शन करेंगे। हेमचंद शर्मा जी, जो तस्वीरें हैं वो बड़ी डरावनी है, क्या उस तरीके की बोतलबाजी, हाथापाई, थप्पड़बाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता ने थप्पड़ मारा सदन में, क्या थप्पड़ मारना ये कोई मर्यादा में आता है? क्योंकि ये अराजक लोग हैं, अराजकता में विश्वास रखते हैं, इसलिए हाथापाई करें। अरे बराबर के व्यक्ति आप कैसे थप्पड़ मार सकते हो? इन्होंने थप्पड़ मारा, इन्हीं के पार्षदों ने गाली गलौज की, हमारी जो मेयर की कहने रेखा जी हैं उनके ऊपर अवध टिप्पणियां की, उनके साथ गाली गलौज की, पानी भी इन्होंने फेंका, बोतल इन्होंने फेंका, उसके बाद कुछ हमारे मेंबर भी शायद हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत इन्होंने की, अभद्रता इन्होंने की, हाथ इन्होंने, तो उसका जवाब दिया, जवाब दिया, लेकिन शुरुआत इन्होंने की, मैं क्या कह रहा हूँ, हाथ इन्होंने उठाया, बहुत बड़ी बात है।